नीट की बायोलॉजी की वीडियोस में आज मैं आप सभी को बताऊंगा ईयर ओसिकल्स के बारे में कि वे किसके मॉडिफिकेशन होती हैं और उनके बीच में कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीट अंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रिक है वो है मिस ऐसा क्यों हुआ। यहाँ जो मिस है वो है MIS और इसमें एम रिप्रेजेंट करता है मेलियस, आई रिप्रेजेंट करता है इनकस और एस रिप्रेजेंट करता है स्टेपीज। इन तीनों के नामों के नीचे आपको लिखना है AQH, यानी कि ए से ऐसा, क्यू से क्यों और एच से हुआ। तो दोस्तों, इसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है आर्टिकुलर बोन को, मतलब कि अपनी मेलियस होती है मॉडिफिकेशन आर्टिकुलर बोन का। आगे दोस्तों, जो इसमें क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेट बोन को, मतलब कि अपनी इनकस होती है मॉडिफिकेशन क्वाड्रेट बोन का। और लास्ट में दोस्तों, जो एच है वो रिप्रेजेंट करता है हायोमैंडिबुलर बोन को, मतलब कि अपनी स्टेपीज बोन होती है मॉडिफिकेशन हायोमैंडिबुलर बोन का। अब दोस्तों, ये हो गए बोन और मॉडिफिकेशन पूरे। तो चलिए अब बात करते हैं जॉइंट्स की। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने HB पेंसिल तो काम में ली ही है। तो आइए देखते हैं इसका यहाँ का मतलब है। तो दोस्तों, HB का जो एच है वो रिप्रेजेंट करता है हिंज जॉइंट, जो कि पाया जाता है मेलियस और इनकस के बीच में। और जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, जो कि पाया जाता है इनकस और स्टेपीज के बीच में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मिस ऐसा क्यों हुआ और HB पेंसिल के तरीके से आप ईयर ओसिकल्स किसके मॉडिफिकेशन हैं और उनके बीच में कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, ये आराम से अपने सभी मेजर माइनर टेस्ट नीट एम्स जिपमर में याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लोगों को अपने सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।